खबर उत्तराखंड से, बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या का ग्राफ अब धीरे धीरे कम होने लगा है। पिछले 24 घंटे में लगभग 1100 नए कोरोना केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी सीमाओं पर पुलिस बल को तैनात कर दिया, ताकि देवभूमि में प्रवेश करने वाले पर्यटक व श्रद्धालुओं की RT-PCR की जाँच की जा सके। रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद प्रदेश में एंट्री की जा सके। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया, जो RT-PCR की जांच कर सके। अब चुनावी माहौल को देखते हुए पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद हो गया है। मंगलोर के नारसन बॉर्डर पर स्थानीय पुलिस व अर्धसैनिक बल को तैनात कर दिया गया है। साथ ही चुनाव आयोग के द्वारा उड़न दस्ता की टीम को भी बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न टीमें बनाई गई हैं, जिनमें स्थैतिक निगरानी टीम है और उड़न दस्ता है। मैं फिलहाल उड़न दस्ता प्रभारी के रूप में नियुक्त हूं और हमारी स्थैतिक निगरानी टीम और उड़न दस्ता टीम द्वारा संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे चुनाव को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उन्हें रोका जा सके और अवैध शराब या अवैध पैसा जैसी जो चीज़ें हैं उन्हें जब्त करके चुनाव फ्री एंड फेयर चुनाव सम्पन्न कराया जाए।